नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी विधानसभा में, कैंट विधानसभा, नाम सीधा सीधा लेंगे, कैंट विधानसभा, जिसपे पिछले 40 सालों से लगभग एक ही व्यक्ति का राज और बीजेपी, और हरबंस कपूर जी जिनका नाम लेते हुए शायद कोई भी यहाँ और जगह में पूछना पड़ता है कि आपका विधायक कौन है, पर यहाँ पर आते ही 40 सालों से एक ही आदमी का राज। तो आज किस्सा कुर्सी का हमारे खास प्रोग्राम में हम सभी दलों से, बीजेपी से हैं हमारे साथ संजीव वर्मा जी, कांग्रेस से हैं नवीन जोशी जी, आम आदमी पार्टी से रविंद्र आनंद जी, और यूकेडी से हैं अनिरुद्ध काला जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारे सवाल सीधा जनता से होंगे और आपका रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो जनता द्वारा बनाया जाएगा। तो आपके रिपोर्ट कार्ड के लिए सबसे पहले हम अपोजिशन पे चलते हैं, आपसे लेंगे कि आप पहले इनके कार्यकाल में किस तरह से संतुष्ट हैं या नहीं। देखिए, पिछली 8 बार से हमारे यहाँ से माननीय विधायक हरबंस कपूर जी चुनते आ रहे हैं जी। 8 साल का एक बहुत बड़ा लंबा सफर होता है। जब हम बहुत छोटे होते थे, 4-5 साल के हुआ करते थे, तब से हरबंस कपूर जी यहाँ से लगातार चुनते आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, 8 बार से जरूर यहाँ से विधायक रहे हैं। अगर उत्तराखंड के सबसे पिछड़ी विधानसभा में अगर हम नाम लें तो देहरादून कैंट की विधानसभा है, जो इन्होंने जुमले प्रदेश की जनता के साथ अभी किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अभी युवा साथ में हमारे बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए, 2 करोड़ की बात छोड़िए, आप ये पूरी कॉलोनी में जहां हम बैठे हैं कोई 2 आदमी के ऐसे नाम लगा बता दीजिए जिन्होंने इनको यहाँ पे रोजगार दिया हो। जो सिलेंडर हमारा गैस का 300 रुपए के टाइम होता था कांग्रेस के टाइम पे, वो आज 1000 रुपए का पार होने वाला है। इन्होंने कहा था महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, हम बेरोजगारी पे अंकुश लगाएंगे, हम काला धन लेके आएंगे, हम 15 लाख रुपए हर किसी के खाते पे आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। विधायक जी यहाँ से चुन के जरूर आए हैं, लेकिन जो जनता की समस्या है उनके साथ हम खड़े हैं। चाहे यहाँ पे बिजली की कोई समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, साफ सफाई की कोई व्यवस्था हो, हम ये सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो इनका काम है, अब आप देखिए 2022 में जब चुनाव आएगा तो यहाँ के हमारे पूरी कैंट विधानसभा के लोगों ने मन बना लिया है। मन इसलिए बनाया है कि इन्होंने कहा था कि हम यहाँ से रोजगार देंगे। कोरोना का समय हुआ, बर हर बारी बात यही होती है, हर इलेक्शन के टाइम पे यही बात होती है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, पर 8 बारी से आना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 8 बार से आना बिल्कुल रिकॉर्ड है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन हम इस बात को भी मानते हैं कि पिछले 8 जो बार के विधायक हैं, लगभग 32 साल से यहाँ पे ये विधायक हैं, लेकिन 32 सालों में आप सिर्फ एक बार का एक बताइए कि हमने ये काम किया, कोई 32 ऐसे काम ये बता दे मुझे। हमारे विपक्ष के भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये 32 काम मुझे गिना दे, मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा। इस कैंट विधानसभा 32 काम लिख रहे हैं अपने। अच्छा, मैं आपसे लेता हूँ। हाँ जी जी जी, आप बताएं। सबसे पहले मैं रविंद्र सिंह आनंद, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल का, न्यूज वर्ल्ड इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारी इस कैंट विधानसभा में आज इस ओपन डिबेट को रखा। और मैं बात सिर्फ कैंट पे करूंगा, मेरे कांग्रेस के भाई ने जो मुद्दे गिनाए वो मुद्दे हैं, लेकिन वो प्रदेशव्यापी या देशव्यापी है, मैं सिर्फ कैंट पे बात करूंगा। और कैंट में हरबंस कपूर जी 35 साल से विधायक नहीं है, वो 2012 से विधायक हैं। उससे पहले जो विधानसभा थी वो देहरा खास थी, क्योंकि मुझे हर पर विधायक तो है ना, विधायक है। देहरादून में जब एक सीट होती थी पहले, आज तक हारे भी नहीं है। उसके बाद वो देहरादून में जब एक सीट होती थी तब की बात और थी, उसके बाद जब देहरादून में 3 सीटें हुई, देहरा खास बनी। चलिए चलिए, आप अपनी अपनी शिकायत बताएं पहले उनसे। ऐसा है कि हमारा ये कहना है कि कैंट विधानसभा की अगर बात करें तो कैंट विधानसभा का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, मेरे कांग्रेस के साथी भी हैं, बीजेपी के और यूपीडी के भी, वो मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि यहाँ जो हमारी हजारों की संख्या में बस्तियों में लोग रहते हैं, और बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनके घरों में हर साल पानी भर जाता है, और पानी भर जाने के कारण उनका जनजीवन व्यस्त अस्त व्यस्त हो जाता है। इस बार भी पानी भरा और हमने कपूर साहब का घेराव किया, और कपूर साहब से हमने कहा कि कब होगा काम, तो उन्होंने कहा, वही नपातुला जवाब था कि बरसात रुकेगी तब करेंगे। हर साल बरसात आती है, हर साल वो कहते हैं कि बरसात रुकेगी तो करेंगे। दूसरी बात, अच्छा, कैंट विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। मेरे भाई साथी बैठे हैं, सबको पता है, जो युवा है वो दूसरी विधानसभाओं में या दूर दराज क्षेत्रों में जाकर के पढ़ते हैं। ऐसा क्यों, जब इतने बार से आप विधायक हैं तो कम से कम कोई डिग्री कॉलेज, कोई बड़ा कॉलेज होना चाहिए था। मुझे लगता है कि यहाँ वो
पिछड़े हैं, अपनी ही सरकार में होते हुए इतना वरिष्ठ आदमी जो मंत्री ना बन सका हो, मुख्यमंत्री ना बन सका हो, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वो कितने ढीले और नहीं, अभी आगे और लेंगे, अभी यूकेडी से ही पूछ लेते हैं। हाँ जी, आप बताएं साहब। देखिए, हमारे जो विधायक हैं, ये ऐसा आपका कहना है कि 2012 से विधायक है, 2012 से कैंटोनमेंट के विधायक जरूर है, लेकिन उससे पहले उनका एक विधायकी का बहुत लंबा अनुभव रहा है। इतने लंबे अनुभव होने के बावजूद भी कैंट क्षेत्र की जो समस्याएं हैं तस की तस पड़ी हुई है। कैंट क्षेत्र में विधायक द्वारा कोई ना कोई रोजगार का साधन उपलब्ध कराया गया, ना यहाँ के युवाओं को, सिर्फ वोट बैंक की तरह युवाओं को यूज किया जाता है। हमारे जितने नाले खालों में बसे हुए, जैसे रविंद्र भाई बता रहे थे कि हमारे नाले खालों में जो बस्तियां, जो जिस तरीके से, जिस बुरी स्थिति में वहां पर लोग रह रहे हैं, जितनी समस्याओं से वो लोग जूझ रहे हैं, कभी उनके साथ एक रात रह के देखिए, बरसात के समय आपको पता चल जाएगा छत कब गिरेगी। चलिए चलिए, आपकी आप आते हैं सीधा सीधा पार्टी के पास। हाँ जी, बताएं बीजेपी साहब, इतनी शिकायतें कैसे दूर करेंगे? सर, सबसे पहले तो जी ये बोलना चाह रहा हूँ, देखिए हमारे जो 8 बार के, थोड़ा तेज बोलिएगा क्योंकि वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही आपके। हाँ जी, हाँ जी, हमारे 8 बार के विधायक माननीय हरबंश कपूर जी मिलनसार व्यक्ति हैं, पर मानने के साथ साथ खोजने भी हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, ये गलतफहमी है। नहीं, मेरी नहीं है गलतफहमी, ये इन लोगों की है, हमारे विपक्षी भाइयों की गलतफहमी है। रोज आना सवेरे का उनका नित नियम, एक जो कार्यक्रम चालू होता है सुबह 7:30 बजे अपना एक्टिवा उठा के किसी भी क्षेत्र की किसी भी गली में किसी मोहल्ले में जाना, हर व्यक्ति से उनका लगातार संपर्क है, हर व्यक्ति से उनका कुशल क्षेम पूछना, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी करना, केवल समस्या ही नहीं पूछते, उनका निराकरण भी करते हैं। और सबसे ज्यादा जो अधिकारियों से जूझ के कार्यक्रम अपना काम क्षेत्र के लिए करवाने का एक रिकॉर्ड भी माननीय हरबंश कपूर जी के नाम लिखा जाता है। चलिए, आपसे अभी आपने दिया, अब जनता से ले लेंगे आपके लिए सवाल। जनता से कौन कौन किससे सवाल करना चाहेगा? हाँ जी, हाँ जी, आप बताएं जी, आप किससे सवाल है आपका? मैंने दोनों राष्ट्रीय दलों से ये सवाल है जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अभी आई है। दोनों राष्ट्रीय दलों से प्रश्न ये है कि बिंदाल जो नदी जा रही है उसके दोनों तरफ बस्तियां बसी हैं, उसका सीवरेज किधर जाता है, और अगर वो सीवरेज उस नदी में जाता है तो वो क्या जो हमारी हर की पैड़ी उससे पहले नदी में मिलता है? अगर वो मिलता है तो इनका ये जो प्रोग्राम चल रहा है कि नदी के किनारे जो बसे हैं मलिन बस्ती, या तो उसको हटाना चाहिए और या उसको उन्होंने बसाया है तो उसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या क्या है कैंट विधानसभा से? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया सवाल, और दोनों पार्टियों से बनता है। कांग्रेस, पहले आप अपना जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप भी रहे हो 10 साल, तो आपने भी राज किया, और नाला वही है, मिला कि नहीं मिला हर की पौड़ी में, आप ही बताएं। देखिए, जो हमारे मलिन बस्ती में जो हमारे लोग रहते हैं उनके विस्थापन के लिए कांग्रेस ने नीति बनाई थी कि उनको विस्थापित किया जाए, हमारी प्रक्रिया पूरी चल रही थी उनको विस्थापित करने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, जैसे हम हमारी कैंट विधानसभा के अंदर विस्थापन की एक एक बारी मौका तो सबको मिला है ना, एक बारी बीजेपी, एक बार कांग्रेस, बोला ना, है ना, मौका तो मिला है ना, फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि बीजेपी आई तो हम नहीं कर पाए? जो हमारी सरकार थी, हमने इसके लिए नीति बनाई थी, जो बस्तियों में लोग रह रहे हैं उनके विस्थापन की नीति बनाई थी, उनको विस्थापित करके अन्यत्र कहीं उनको विस्थापित किया जाएगा, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार गई, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने उस पर रोक लगाया। अब हमने जैसे प्रेमनगर के अंदर की अगर हम बात करें, वहाँ 1700 ऐसे परिवार हैं जो पाकिस्तान से आकर यहाँ पे प्रेमनगर में बस गए, उनकी नियमितीकरण की मांग को लेकर भी हमने पूरा प्रपोजल बनाया सरकार ने, उनके आधार कार्ड और ये सब बन चुके हैं, सब कुछ बन चुके हैं, लेकिन अच्छा उनको, अच्छा उनको जमा दिया गया आधार। हाँ जी 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 जी, आप इधर इधर सुनिए 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 सुनिए, आधार कार्ड बन गए उनकी, ये सब कुछ बना दिए गए। नहीं, आधार कार्ड की आपको जानकारी नहीं है, प्रेमनगर में जो विस्थापित लोग हैं उनके आधार कार्ड है कि नहीं, आप कैसे प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के? अरे एक मिनट, आपको मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। पाकिस्तान से लोग विस्थापित होकर प्रेमनगर के अंदर बसे, उनके नियमितीकरण की मांग को लेकर कांग्रेस ने, हरीश रावत जी ने प्रस्ताव पारित किया, कैबिनेट स्तर प्रस्ताव पारित हो चुका, आचार संहिता लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप बताइए उनके विस्थापन के लिए आपने क्या काम किया? एक मिनट, आपको मौका मिलेगा, मौका मिलेगा, सरकार ने किया, हम बता रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, प्रपोजल कैबिनेट से प्रस्ताव, आपका कहना है कि इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जनता पार्टी के एक आदमी का जवाब ही तो, कईयों के जवाब लेने हैं आपने, बताएं जी, जी जी बताएं। देखिए, जैसे आप बिंदाल नदी की बात कर रहे हैं जी, बिंदाल नदी में लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है, वोटर कितने हैं उसमें आपके?
हर वर्ष में वोटर कितने हैं उसमें, मैं सिंपल से पूछ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तियों को वोटर के रूप में चिन्हित नहीं करती, बसाया तो वोट के चक्कर में जाता है इस तरह से। कांग्रेस ने बसाए, कांग्रेस ने बसाए, और हमने इनकी पॉलिसी थी, इन्होंने नदी किनारे लोगों को बसाया वोट बैंक के रूप में, और हमने उन लोगों का अच्छे से पोषित किया, हमने उन लोगों को जो उनकी जरूरतें हैं, बिजली की हो, पानी की हो, गैस की हो, राशन की हो जी, हमने तो ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर आपने उनको, उन्होंने अगर पैदा किया तो आपने उसका पालन पोषण किया, और अब आज उनको उठाने की जो है ये गलती है जी। आप बताएं जी 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 बिंदाल जी के लिए मैं आपको बता दूं, परसों ही जी एक DPR बना है जी, और मैं अधिशासी अभिनेता लांबा जी से मिला था जी, जी, और लांबा जी से मिलकर के हमने DPR बनवाया। कल की अखबारों में था कि मैंने पिछले एक साल से प्रयास कर करके इस DPR को बनवाया है जी, जिसे विधायक जी रोकना चाहते थे। कई बार उन्होंने इसका विरोध किया कि आम आदमी पार्टी अगर कर रही है तो उसको रुकवा दिया जाए, मतलब अगर आम आदमी पार्टी कर रही है तो रुकवा इसलिए दिया जाए कि जनता को लाभ ना हो। शांति विहार में एक लूप बना रखा है नाले का, वो जिससे लोगों घरों में पानी जाता है, उसको अब हमने DPR बनवाया है इसको बंद कराने के लिए, ऊपर सड़क बनवाने के लिए। लेकिन विधायक जी अभी भी लगातार प्रेशर कर रहे हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब तक विधायक जी चाहते हैं कि मैं खुद करूं तो अगर कोई दूसरा करे तो इसका कोई क्रेडिट ना ले जाए। तो कल की अखबारों में सभी समाचार अखबारों में था, और हमारा ये कहना है कि देखिए जो बस्ती में लोग रहते हैं उनको भी सब प्रकार के अधिकार होने चाहिए पर उनका तरीका। आज क्या एक बात, मेरा एक प्रश्न और है बीजेपी से कि जब ये देहरादून 4 लाख जनसंख्या थी, आज यहाँ 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, एक दून अस्पताल होता था, क्या आज भी वो एक दून अस्पताल ही रहेगा? क्या सरकारी अस्पताल और नहीं होने चाहिए? हो गया, 4 है आज, क्या सरकारी अस्पताल आपका समय आएगा? अपने अपने ब्रांच है, उसी की ब्रांच है, 4 है भाई साहब, वो उसी की ब्रांच है, गांधी शताब्दी भी उसी की ब्रांच है। आप देखिए बातों को, अच्छा चलिए यूकेडी ने सपना देखा, उत्तराखंड बनाने का सपना जो देखा था, यूकेडी का कहीं ना कहीं अहम रोल था। आज यूकेडी चुप क्यों है? देखिए इतने सारे मुद्दे आपके सामने चल रहे हैं, चुप नहीं है। यूकेडी को अपनी आवाज उठाने का समय मिला है और वो पूरी अपनी आवाज उठा के दिखाएगी। आप ये नाले खालों का विषय यहाँ पे सत्ताधारी दलों से डिस्कस कर रहे थे, लंबे समय तक सत्ताधारी दलों ने इनका प्रयोग किया, किसी ने बसाया, किसी ने लूटा, ना किसी का छत देखा गया। आप उन नाले खालों में कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई जगह सिर्फ वोट ही है, आदमी हो ना हो वोट जरूर है वहां पर, तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता को भोगने के लिए उन लोगों को इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, क्रांति दल इस बार ये अवधारणा बदलने तो वाली है, और इस अवधारणा को बदल के रहेगी। हमने राज्य के लिए लड़े थे, अब राज्य को बचाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं किसी और का। हाँ जी, हाँ जी, आप बताएं। सर मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा। हाँ, किससे? सरकार से। हाँ जी, हमारे गांधी ग्राम रोड के पास एक हमारा रोजमाउंट स्कूल हुआ करता है, उस रोजमाउंट स्कूल के बिल्कुल सामने कबाड़ घर है, ठीक है, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने काफी प्रयास किया, मगर ऐसा क्या है जो कि मतलब कि हमारी जो स्थानीय सरकार है, स्कूल के सामने बच्चे निकलते हैं, पेरेंट्स आते हैं, इतनी बदबू, जब बरसाते हैं तो बदबू होती है वहाँ पे, आज भी कूड़े का ढेर है। आम आदमी पार्टी ने क्या किया उसमें? मतलब पूरा प्रयास कर, पूरा धरने भी दिए। कब से? अभी पिछले 2-3 साल से। 3 साल से तो आम आदमी पार्टी कहीं दिख नहीं रही थी, आम आदमी पार्टी कहाँ से आ गई? जी 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 जी, एक मिनट, महिलाओं से कुछ ले लेते हैं। हाँ जी, आप बताएं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने लोगों को बसाने का काम किया, हम ये बोलते हैं कहाँ से बसाने, कौन सा बसाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने? 1000 रुपए का सिलेंडर है, लोगों का पेट तो भर नहीं रहा है, आ रहे आपके पास है। हाँ जी, खाने का, पीने का, रहने का कुछ ठिकाना नहीं रहा बचा। सरकारी स्कूल हैं वो बंद पड़े हैं, प्राइवेट स्कूल है, जी अभी आपके पास आ रहे हैं, स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी बच्चों की फीस ली जा रही है, ठीक है, भूखे प्यासे जनता, आप जनता के बीच में। एक मिनट, जी आप किसी भी जनता जी, से जी, जी 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 बार कहीं दिखाई दे के बीच में, कहीं विधायक साहब दिखाई दियो, कोई भी कह दे, इतनी पब्लिक है, आप कहीं भी पूरे कैंट विधानसभा में देखिए कि कहीं पर भी एक बार भी। तो आपका कहना है कि विधायक साहब यहाँ आते ही नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं। मैं मैडम से ले लेता हूँ एक मिनट। हाँ जी, आप बताएं। मेरा सर सवाल कुछ नहीं है, मेरा तो एक सुझाव है। हाँ, जो अभी तक के रूलिंग पार्टीज थे, हाँ जी,
अगर आप उसको और आप उसको छीछा लेदर करनी है, अब दो छोड़, क्योंकि अब जनता होगी जागरूक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरा एक ही वो है, मतलब आपको सजेशन दूंगी, खासकर जो रूलिंग पार्टी है, भैया अगर चाहते हो, अगर चाहते हो कुछ करना, तो ये जो 904 का एक घंटे पहले मैं सिलेंडर लेके रखा हूँ, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मेरी बहन ने सही कहा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आने वाले 4 महीने सिलेंडर फ्री कर दो। सब्सिडी की जो अफीम चटाई थी वो बीजेपी नहीं चटाई थी, मोदी जी ने आके चटाई थी। कहा है वो सब्सिडी? चले 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 सर। हाँ जी, हाँ जी, आप सत्ताधारी पार्टी के हमारे भाई बैठे हुए हैं बीजेपी से। सवाल है जी कि अच्छी खासी सरकार यहाँ उत्तराखंड में चल रही थी, हरीश रावत जी की सरकार चल रही थी, इस देवभूमि को इतना संसार कराया इन लोगों ने, कि ऐसा कौन सा चिंबक इनके पास है जो चिंबक दिखा के ये विधायकों को खरीदने का काम कर रहे हैं? विधायक हमारे कांग्रेस के इनके पास भागे जा रहे हैं, ऐसा क्या कौन सा चिंबक है? ऐसा क्या कितना धन है इनके पास, कहाँ से इतना धन आ रहा है? वो देखो, वो विधायकों की कमी हो सकती है, जो चिंबक की तरफ चले गए। विधायकों की कमी कैसे होगी? अगर लालच दिया जाएगा तो जाएंगे ना, तो ऐसा कौन सा चिंबक है इनके पास जो सरकार गिराने का? नहीं नहीं नहीं, लालच लालच पर इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल लालच है। हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बताओ। देखिए ऐसा है, हाँ जी, हाँ जी, मैं फिर कह रहा हूँ जवाब। हम कैंट विधानसभा पे बात करेंगे, और कैंट विधानसभा का जो इस समय हाल है, जो मैंने नालों की बात की है, बस्तियों की बात की है, क्योंकि विधायक जी को अगर आज आप डिबेट में बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप बुला के देख लीजिए, अगर वो आ जाए तो आप जो कहेंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ जो उनकी राजनीति का अपना तरीका है, जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं, लेकिन जनता का कोई भला नहीं हो रहा, और जनता त्रस्त है। इस बार जनता ने मन बनाया है कि पूरा यहाँ पर चेंज होने वाला है। अच्छा ठीक है, कांग्रेस से ले लेते हैं। हाँ जी, आपके आरोप लग रहे हैं कि आपके विधायक बिक जाते हैं, है ना? भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तोड़ने का काम किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जनता ने चुन के भेजा विधानसभा के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी आए, उसके अंदर अमित शाह जी आए, पूरे हवाई जहाज में पैसों से भरा कट्टा लेके आए। अरे नहीं, विधायकों को खरीदने का काम किया इन्होंने। आप बताइए, ऐसे जो जनप्रतिनिधि जिनको चुन के भेजते हैं, उनका काम सदन में जनता की आवाज उठाना है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं कैंट विधानसभा के बारे में बात करने, ये हमारे भाई साहब भारतीय जनता पार्टी से आए, क्या जवाब देंगे यहाँ पे? आप बताइए, आपने कितने हॉस्पिटल बनाए? आप बताइए, आपने यहाँ कितने स्कूल बनाए? आप बताइए कितने स्कूल बनाए, सामुदायिक केंद्र बनाए? आपके विधायक कहाँ? आप तो यहाँ रहते ही नहीं है। हम रहते हैं, प्रेमनगर अस्पताल के उच्चीकरण की मांग को लेकर। जी 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 जी, बिंदाल के सभी पुलों के कोरोनेशन की बात करेंगे, हमारे कैंट विधानसभा में नहीं आता। अगर पुलों की बात करेंगे, हमारे कैंट विधानसभा के अंदर नहीं आता। गांधी शताब्दी की हमारे हर स्थान पे उपलब्ध है, इंटर कनेक्टिविटी हर गली हर हो रखी है। कांग्रेस ये लिख के बता रहे हैं आगे काम, लिख के बता रहे हैं। चलिए चलिए, विधायक को बुलाइए ना, आंकड़े के साथ। चलिए चलिए, ये इनका कहना है कि अपने काम लिखने पड़ रहे हैं और बताने पड़ रहे हैं। आज एक युवा लड़की से लेते हैं। हाँ जी, आप बताएं, आप बड़े मुस्कुरा रहे हो चुपचाप साइड में। हाँ, मैं देख रही हूँ ना कैसे बीजेपी वालों के पसीने छूट रहे हैं। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। अच्छा, मैं तो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हाँ। और देखो उनको पसीने कितने अच्छे आ रहे हैं। हाँ, नहीं, धूप है। नहीं नहीं, उनके पसीने धूप के कारण छूट रहे हैं अभी, जवाब के कारण नहीं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे आपके पसीनों के ऊपर, मेरे को लगा कुछ उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए। मैं आपके सामने ये आंकड़े बता रहा हूँ जी, और ये ऑथेंटिक। देखिए ये क्या बताएंगे, ये विधानसभा में रहते ही नहीं है। चलिए, यहाँ यहाँ पर लगता है दो पार्टियां तो एक साथ हो गई हैं। दो पार्टियां, ये भी पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की भी पार्टी है, दोनों का गठबंधन। हाँ जी, आप बोलिए बोलिए। देखिए, जब हम चुनाव में जाते हैं जी जी, तो कांग्रेस हमें बीजेपी की बी पार्टी बताती है, और बीजेपी हमें कांग्रेस की बी पार्टी बताती है। हमने दिल्ली में दोनों की जमानतें जब्त कराई है, और अब यहाँ कराने वाले हैं, यहाँ पर भी इनकी अब जमानत जब्त होने वाली है। देखिए ऐसा है, जमानत जब्त और वादो, ठीक है, जमानत जब्त तो आपकी उत्तर प्रदेश में भी हुई थी, हैं बाकी जगह भी हुई थी, वो तो बात का विषय है। विषय ये है अभी कि आपके जो वादे हैं वो सिर्फ वादे रहने वाले हैं या उन पर कुछ काम भी होगा, या जैसे पीछे दिल्ली में कुछ वादे हुए कि जो नहीं पूरे हुए तो बोल दिया गया कि ये तो MCD मेरे पास थी नहीं, इसलिए इसकी ये दुर्दशा है। स्कूल कांग्रेस द्वारा बनाए गए वो अधूरे पड़े हैं,
नए बना दिए गए हैं उनकी चर्चा कर दी गई, तो इस तरह के वादों का कोई फायदा नहीं। ये उत्तराखंड है या बिल्कुल अलग राजनीति है। देखिए ऐसा है कि हमने यहाँ की जनता से पहला वायदा किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम 300 यूनिट बिजली हर परिवार को बिल्कुल मुफ्त देंगे। एक मिनट मैं आपकी बात का मैं 300 यूनिट बिजली आप मुफ्त देने का प्रतिमा। अच्छा सुन लीजिए, जनता से ले लेते हैं कि 300 यूनिट किसी को चाहिए या कुछ और चाहिए, जनता से लेते हैं 300 यूनिट किस किस को चाहिए भैया? देखो हमें 300 यूनिट फ्री में नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, एक बस इतना 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 300 यूनिट युवा बताएं, 300 यूनिट बिल्कुल नहीं, 300 यूनिट जी आपको चाहिए? अच्छा 300 यूनिट क्यों चाहिए जी आपको? जब हमारे सांसद विधायक हैं जी, वो उनको ये सब चीज फ्री मिल सकती है तो जनता क्यों नहीं मिल सकती? इसकी जगह शिक्षा फ्री मिले, स्वास्थ्य फ्री मिले तो वो नहीं चाहिए? बिल्कुल वो भी चाहिए। हाँ, वो भी चाहिए, वो हमारा अधिकार है। तो पहले क्या चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य या बिजली? स्वास्थ्य बिजली सभी कुछ चाहिए सर, एक साथ चाहिए। कुछ चाहिए तो किसका पैसा जाएगा उसमें? जनता का पैसा नहीं, जनता का पैसा जनता पे लगेगा। जनता का पैसा जनता पे ही लगेगा। तो मतलब फ्री कुछ नहीं है, फ्री कुछ नहीं है। हाँ जी फ्री, हाँ जी कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी हमें फ्री नहीं चाहिए। तो फ्री का प्रलोभन, फ्री का प्रलोभन, फ्री के फंडे पहले। प्रलोभन का मतलब सीधी बात ये होगी कि आप इधर का पैसा उधर कर रहे हो और जो विकास पे पैसा लगना चाहिए उस पे आप फ्री पे बांट रहे हो। जी दिल्ली की तरह जी, 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 पे सत्ता नहीं चलेगी। जी 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 हाँ जी फ्री सर, फ्री नहीं होना चाहिए जो जो काम हो रहे हैं। हाँ जी फ्री 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 बताए, बंट रहा है 300 यूनिट फ्री चाहिए? हाँ जी आपके पैसों को ही बोला गया फ्री। हाँ जी पैसा हमारे ही। एक मिनट मैं आपकी बात को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि भाई साहब जनता टैक्स देती है, माचिस खरीदती है तो भी टैक्स देती है। तो आप जो बोलते हो कि हम 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, ये इस तरह से गुमराह ना करें कोई भी पार्टी। कांग्रेस भी आप भी फ्री वाले हो जी, आप भी फ्री वाले। कभी कुछ नहीं काम। नहीं नहीं नहीं, अभी हरीश रावत जी से मैंने डायरेक्ट पूछा है, हरीश रावत जी से मैंने सीधा पूछा है, सीधा सवाल पूछा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम 1 साल में 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे, जनता बैठी है। आप बताइए इस कॉलोनी में 2 लोगों को रोजगार मिला, अब ये कह रहे हैं कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार। अरे कितने जुमले दोगे यार, एक आम आदमी पार्टी जुम्मे अभी 6 महीने भी नहीं हुए प्रदेश के अंदर, वो कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 5,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे, जो दिल्ली से जो हमारे युवा। अच्छा चलिए चलिए एक मिनट, मैं आपके 5,000 रुपए पा रहा हूँ, 5,000 रुपए पा रहा हूँ। आपकी विधानसभा में अगर 5,000 रुपए युवाओं को फ्री और मिलने लग गया ना, इस विधानसभा का थोड़ा सा अगर क्राइम रिकॉर्ड अगर चेक करोगे, जुआ यहाँ खेला जा रहा है, नशा यहाँ पर है। ये 5,000 रुपए अगर और मिलेंगे तो उसके बाद क्या हालत होगी? देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने दिल्ली के अंदर कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया? 5,000 कितने लोग आप उनको बेरोजगारों को 5,000 रुपए दे रहे हैं? वहाँ के जो बेरोजगार साथी हैं दिल्ली छोड़ के अन्य प्रदेशों की ओर जा रहे हैं, जैसा जुमला नरेंद्र मोदी जी ने दिया था कि 2 करोड़ों को रोजगार देंगे, काला धन आएगा 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। देखो वो बीजेपी क्षेत्र में इफेक्ट करता है। अगर आपने प्रधानमंत्री, तभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, मतलब झूठ बोल रहे हैं? आप बताइए कितने को रोजगार मिला? आप कह रहे हैं 1 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, 5,000 रुपए देंगे कहाँ? तुम्हारे स्रोत क्या होंगे? मैं अभी 1-to-1 आपका आम आदमी से है, पैसा कहाँ से? आपने कहा 350 यूनिट फ्री, इन्होंने कहा 300 यूनिट फ्री। फ्री किसी को नहीं चाहिए, दोनों पार्टियों को क्लियर कर दिया जनता ने क्लियर किया है कि नहीं चाहिए फ्री कुछ नहीं है। पहले तो आप ये समझ लीजिए फ्री कुछ नहीं है, ये जनता का ही पैसा है। अगर जनता अगर एक मिनट आपका भाई साहब एक मिनट खत्म हो गया, कृपया करके व्यवधान उत्पन्न ना करें, प्लीज मेरे को सुन लें। हमारा ये मानना है कि अगर आप माचिस की एक डिब्बी या नमक की एक थैली खरीदते हैं ना, जी बिल्कुल, उसमें भी टैक्स आप सरकार को देते हैं, और जनता का पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी का मानना है। बस बीजेपी कांग्रेस ने अब तक लूटा है, दोनों पार्टियों ने मिलकर लूटा है। हरीश रावत जी ऑन द माइक बोलते दिखे कि जिसको जितना लूटना है उतना लूट लो, मैं आग बंद कर। रोजगार 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 एक मिनट सत्ता पार्टी से रोजगार सबसे ज्यादा रोजगार की कमी है। ये फ्री का प्रलोभन नहीं चाहिए किसी को। आपने रोजगार के जो वादे किए, आपके 3-3 मुख्यमंत्री ने जो वादे किए, उसने कहा मैंने घोषणा करनी थी, मैं चला गया, मैंने तैयार कर दिया था, मैं भी चला। तीसरे आ गए हैं कि मैं तो अब चुनाव की तैयारियों में हूँ। ठीक है, अब आप बताएं क्या होगा ऐसी जनता का?
पांच वर्षों में 7,14,000 रोज मैडम आप हाँ जी जनता है सब पूछेगी। पांच सालों में 7,14,000 हमने रोजगार दिए हैं और 24,000 सरकारी नौकरियां अभी अभी खोली है। अरे आपके बोलने से हुआ क्या? आपके बोलने से? कोई बात नहीं उनको अपना हाँ जी बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ का पूरे 32 लाख परिवार अटल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं। 460 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में लोगों के इलाज के ऊपर सरकार द्वारा खर्च किया गया। सरकार की जिम्मेदारी है वो, सरकार जिम्मेदारी है। आपने कर दिया उसको गिनाओ नहीं, आगे जो करने हैं। अरे गिनाओ क्यों नहीं, आप गिनाओ तो उसका। हम बता रहे हैं 460 करोड़ रुपए हमने खर्च किया है और पूरे कोरोना काल में जो जनता की सेवा की, आप मालूम करिए कांग्रेस उस समय कहाँ थी, आम आदमी पार्टी कहाँ थी। पिछले पाँच सालों से लगातार बाढ़ आती है, पिछले पाँच साल। अच्छा आपकी विधानसभा से बाढ़ की खबर खोज खबर करने ये लोग आए थे क्या, ये मालूम करिएगा इनसे। आपकी विधानसभा इस समय चुनाव है तो कुकर मुत्ते की तरह सब उखड़ के आ गए। नहीं, शब्दों का सही प्रयोग करें। एक मिनट, दूसरी चीज, आपकी विधानसभा में क्यों क्राइम रेट बढ़ा है? आपकी विधानसभा में क्यों जुआखोरी ज्यादा हुई है? क्यों हुआ ऐसा? आप तो रोज आप बोल रहे स्कूटी में लेके निकलते हो, तो क्यों नहीं जाते आप देखने? क्यों नहीं हुआ ऐसा? यही रोज जनता के बीच में दिखाई दे रहा है। ये कपोल कल्पित आंकड़े हैं, ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है जो आप बोल रहे हैं। अरे ये कैसी बात कर रहे हो आप भैया, ये ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है। ये ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है जो आप बोल रहे हैं। हाँ जी, ये विपक्ष का काम अच्छा, झूठ बोलना। अच्छा यूकेटी से पूछ लेते। एक मिनट आपकी तीनों की। अच्छा एक मिनट अच्छा तीनों पार्टियों में तीनों पार्टियों में एक पंडित नजर आते हैं। एक मिनट अरे मेरे को करने दो। एक मिनट अरे सुनिए अच्छा, तुम तीनों अब इन तीनों पार्टियों के बीच में एक पंडित जी हैं हमारे बीच में यूकेडी, जिनके ऊपर कोई ना आरोप है ना सरकार है ना कुछ है, पर इनके पास मुद्दे बहुत थे जिससे ये भटक गए। आरोप से नहीं, हमारे पास अचीवमेंट है। हाँ जी, आपने कहा, इन्होंने कहा ए टीम है, बी टीम है, हाँ जी, बी सी किसी टीम में नहीं, यूकेडी टीम में आई है। यहाँ भाई साहब ने कहा, हमारे भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पैनल ने कहा 7,14,000 रोजगार हमने दिए। 7,14,000 रोजगार का औसतन मतलब होता है कि हमारी एक कैंट विधानसभा में 10,000 रोजगार मिलने चाहिए। क्या हमारी कैंट विधानसभा में 10,000 लोगों को रोजगार मिला? अच्छा ठीक है इनका कहना, एक मिनट यूकेडी का कहना है कि हमारी कैंट विधानसभा में कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार। आप कितने रोजगार आपने कैंट विधानसभा के अंदर दिए, कितने दिए उतना बता दीजिए। हियर एंड देयर चलेगा, हियर एंड देयर चलेगा, बताइए। मैं बोलता हूँ 1,000 इधर या उधर, आप एक दो नहीं, 1,000 इधर या उधर बताएं। सबसे संपन्न आपकी वजह से नहीं है, सबसे संपन्न, सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया सड़कें यहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा फ्लाईओवर यहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा सामुदायिक केंद्र यहाँ पर हैं। जी सब समझ गया। देखो सुने हाँ जी आप बोलिए। एक मिनट तो सभी लोग ना अपनी बारी बारी बोलेंगे, वरना डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जी बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है कैंट विधानसभा का। मेरा एक सवाल है, एक आम नागरिक होने के नाते बीजेपी से, कि कैंट विधानसभा में माननीय विधायक जी के सपुत्र ने छात्रवृत्ति घोटाला किया है, उन गरीब बच्चों का आरोप है उन बच्चों का हक जो बिल्कुल, जिनको सरकार ने ये सोच करके कि जो पढ़ नहीं सकते उनको छात्रवृत्ति दी जाए, और उनका छात्रवृत्ति
पूरी हड़प कर गए 5.5 करोड़। आरोप है, मैं फिर बोल रहा हूँ वो आरोप है, अभी आप डिसीजन पे ना आए, डिसीजन पे ना आए, अभी वो आरोप है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? और कन्याधन योजना का वो आया था बच्चों का, हाँ जी, वो अभी तक कुछ नहीं मिला, वो सरकार खा गई सारा। अच्छा, चलिए, सरकार खा गई सर। हाँ जी, हाँ जी, हम ये बोलते हैं कि हमें ज्यादा बड़ी नौकरी नहीं चाहिए, 10,000 तक की नौकरी 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर मिल जाए तो लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और वो 10,000 तक की, ज्यादा नहीं चाहिए, गरीब लोग हैं, 10,000 तक की नौकरी मिलनी चाहिए। और अगर 10,000 से लेकर 15,000 तक की नौकरी के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है या बॉम्बे जाना पड़ रहा है, तो ये हमारी आज तक की सरकार के लिए, मैं ये नहीं बोलना, पलायन, पलायन की बात हो रही है, उत्तराखंड का पलायन। जी जी जी, आप अपना गुस्सा पूरा शांत कर ले, टारगेट जो है सत्ताधारी पार्टी है उन्हीं को बोला जाएगा। हाँ जी, अभी कहते हैं कि हम इस विधानसभा में हरबंश कपूर जी ने काम करा, हरबंश कपूर जी ने जबरदस्ती एक मिलन केंद्र बनाया, पूरी पब्लिक खिलाफ है, उनके बुनियाद जमीन जो उनके घर है उनके बुनियाद तोड़ के वहां पर सबकी सबने मने करा, जबरदस्ती मिलन केंद्र बनाया गया, यहाँ पर चोरी चकारी इस कॉलोनी में, इतनी नशेड़ी इतने आते हैं बाहर के लोग, उसके लिए हरीश रावत जी की सरकार में 5 गेट पास कराए गए थे, 5 गेट लगे थे, एक ये रहा उसमें से, वो 5ों गेट हरबंश कपूर के लेटर के बाद वापिस चले गए, क्योंकि उनका ठप्पा लगना था वहां पर, हमारा हरीश रावत जी का ठप्पा लग जाता, इनका ठप्पा लगता है, इन्होंने गेट वापिस करा दिए, एक गेट जबरदस्ती लगाए यहाँ पर, क्यों विकास नहीं होने देते वो, क्या कांग्रेस का विकास करना चाहती है तो ये रोकते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हाँ जी, आपसे ही, आपको आज चौतरफा, आज आपको चौतरफा घेरा गया है, आज आपको चौतरफा घेरा गया है, और सुनिए, आपके 8 बारी की विधाई की खतरे में है, इसलिए इसलिए, अरे वो प्यार था, प्रेम था, भ्रम था, क्या था 8 बारी से, वो टूट रहा है, जनता अगर वोट कराया जाए अभी तो जनता अगल लगे, आप इनका या तो भ्रम तोड़ें या फिर इनके साथ खड़े हों, बताएं। देखिए जी, 8 बार से भारतीय जनता पार्टी को जनता का जो प्यार प्रेम स्नेह मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, मैं आपसे दावा भी कर रहा हूँ। तो ये हरबंश कपूर साहब को मिलेगा या फिर अब इस बारी कोई और ही होगा? भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, मतलब हरबंश कपूर साहब पक्के नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, मैंने ऐसा नहीं कहा जी, मैंने कहा भारतीय जनता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है माननीय हरबंश कपूर जी। जी जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बीजेपी में एक चीज सुन लीजिए, अगर आप कैंट विधानसभा में घूमेंगे तो बीजेपी में इतने सारे उम्मीदवार निकल रहे हैं, इतने सारे पत्थर उठाओगे तो बीजेपी से एक उम्मीदवार बाहर आ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सबको नाम पता है उनके, और उनको लग रहा है कि क्योंकि कपूर साहब बुजुर्ग हो गए। ये भाई भाई, ये युवा कुछ कहना चाह रहा है? हाँ जी, ये बताएं। 27 साल मेरी उम्र हो चुकी है, मेरे पास अच्छी खासी डिग्री है, और मेरे साथ वालों की भी बहुत सारी, उनके पास बहुत सारी डिग्री है, लेकिन अभी भी जो मेरे साथ वाले हैं जोमेटो में, स्विगी में 8-8, 9-9 हज़ार रुपए की नौकरियां कर रही है, रोजगार कहाँ है आपका? मेरे को तो आज तक नहीं समझ आया कहाँ रोजगार। हाँ जी, आप रोज आप आपके लिए रोजगार का मतलब क्या है? सरकारी नौकरी भी रोजगार है, ये तो आप बताएंगे। नहीं, आप बैठ के जवाब दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठ के जवाब दीजिए। हाँ जी, मेरा कहना जी, मेरा कहना ये है, रोजगार का मतलब होता है जिससे आर्थिकी, हमारी जो आर्थिकी है उसका आधार क्या है, इसका मतलब आप मजाक उड़ा रहे हैं। हम मजाक ही उड़ा रहे हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, जो एक बात कोई आदमी कर्जा जो जो व्यक्ति, चलिए 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 चलिए, अरे मेरी बात सुनिए, जो व्यक्ति एक फास्ट फूड की ठेली लगा रहा है उसकी मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेसी, आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं उसकी, देखिए देखिए, अगर शालीनता में अगर कोई बात हो रही है तो सबसे बढ़िया शालीन, एक मिनट, सबसे बढ़िया यूकेडी अपना सबसे बढ़िया जवाब दे रही है, और सबसे इनकी बात सुन लीजिए जी, अगर कोई आदमी, एक बार सुन लीजिए, अगर कोई आदमी किसी से कर्जा लेकर, लोन लेकर या किसी से पैसे मांगकर अपना रोजगार लगा रहा है, तो उनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने वो रोजगार दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कोरोना पीरियड हुआ है उस टाइम पे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाई लोगों को। चलिए चलिए, यूकेडी से, अच्छा अच्छा, शांत, यूकेडी से जब आप आए थे 7 विधायक थे आपके पास, क्यों पार्टी बिखर गई आपकी?
आप बताइए क्यों बिखर गई आपकी पार्टी, आपकी जरूरत थी जोर जोर से। एक मिनट इनको जनता के ध्यान देने का मौका है ही नहीं, इनको जनता की तरफ ध्यान देने का समय है ही नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारे जो सत्ताधारी दल भाजपा के जो पैनलिस्ट हैं, उनसे सिर्फ इतना सवाल करिए कि आपने कोई 10 काम यहाँ पर विधानसभा जी जी इनके 10 काम यूकेडी का कहना है कि बीजेपी के 10 काम गिना दीजिए जनता से। हाँ जी, रोजगार पे, महिला सुरक्षा पे। हाँ जी, अच्छा एक मिनट पर्सनल नहीं। एक मिनट, मेरी बात रह जाएगी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं जी क्षेत्र की जनता जानती है। हाँ जी सर, कांग्रेस साहब, एक मिनट, एक मिनट मान्यवर जी। हाँ जी, अच्छा मैडम कुछ कहना चाह रही हैं। मैडम कुछ कहना की बात हो रही है। हाँ, आज हम रोजगार, एक मिनट मैम, हम रोजगार पे, महिला सुरक्षा पे, जहाँ नशा हो वहाँ महिला सुरक्षित नहीं रह सकती है ना। ये एरिया, इस यहाँ का रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखेंगे तो यहाँ पर और भी तरह के क्राइम आपको मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ नशा। और जिस जो फ्री की बात आप कर रहे हो, 5,000 रुपए दे के आप और पुड़िया पकड़ा रहे हो उनके हाथ में। नहीं, सोच गलत नहीं है। आप उनको रोजगार, प्योर रोजगार दीजिए। अभी मान्यवर ने कहा रोजगार, आधे से ज्यादा लोग पूरी कॉलोनी के भी जानते हैं। मुझे देहरादून में शायद मतलब कम से कम 20,000 लोग तो जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डबल एमए पीएचडी हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। देखिए 20 साल से देहरादून में अनएम्प्लॉयड हूं। क्यों? जहां जाती हूं चाहे वो डीएवी गई, चाहे वो SDRR गई, कहीं भी जाती हूँ जी, साइनिंग जो है वो 32,000 रुपए जब दे रहे होते तो 22,000 है। भाई कहाँ है ये डोनेशन है जी? तो ये डोनेशन कहाँ से आया? चलिए किसका, किसकी? आप और कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपने? हाँ जी, और कोई सवाल कोई पूछना चाहता है? हाँ जी, कोई और? आपके हो गए एक और है, चलिए एक और। हाँ जी, एक और। भाजपा वालों पे आरोप लगा रहे हैं जी, 9 आदमी इन्हीं के गए हुए उधर, 9 आदमी इन्हीं के गए, वही सरकार चला रहे, सारे मंत्री तो उन्हीं के हैं, नहीं है क्या? तो फिर आरोप किस बात का? भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है नागनाथ सासनाथ की तरह। देख इनका कहना है कि भैया तुम आरोप लगा रहे हो कांग्रेस का, बीजेपी पे खरीद फरोख्त का, आदमी तो आप ही लोगों के उधर है, है ना? तो आप उनको सहला रहे हो, इधर आप डांट रहे हो, तो चल क्या रहा है? ये जो विधायक लोग गए क्यों गए? हाँ जी, इनको प्रलोभन दिया गया करोड़ों रुपए का, जो पैसा देखो कांग्रेस इतनी पुरानी, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपका क्या हो रहा है? हृदय परिवर्तन? अच्छा, चलिए पैसे की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर 5 स्टार अपने कार्यालय बना दिए। आप ये बताइए, सरकार में अभी 7 साल हुए, 5 स्टार इनके कार्यालय कहाँ से बन गए? अच्छा, चलिए हमारा कार्यालय तो अभी टूटा फूटा, कांग्रेस भवन अभी भी वैसा ही है। अरे आपका भवन भी बन जाएगा, आपका भवन भी बनेगा। जी 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 आपस की लड़ाई, आपके भवन की लड़ाई नहीं है यहाँ। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, हाँ जी, ये सोच करके कि वो बीजेपी को हराएगी, कांग्रेस जीत जाने के बाद बीजेपी में सम्मिलित हो गई, और बीजेपी को वोट दिया ये सोचकर कि विकास होगा, नौकरी लगेगी, लेकिन सिर्फ जुमले मिले। हाँ, अब जनता का जो मन है वो कहाँ जाएगा? तो चलिए, नहीं, जनता का मन कहाँ जाएगा? नए ऑप्शन की तरफ जाएगा, नए वादों की तरफ जाएगा कि नए और कुछ और, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख सिलेंडर, पेट्रोल है, इन सब तरफ जाएगा, ये देखने का विषय है। मैडम आप कुछ कहना चाह रही हो बहुत देर से? कहना चाहती हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, हाँ, आप कुछ कहोगी? दुनिया को, पूरे मतलब देश को गुमराह करे जा रही है। मैं कह रही, इतनी ये लड़के खड़े हैं, हाँ, आज की जनरेशन, आप इनसे पूछो तो इनको कितना रोजगार मिला? कोई 5,000 देने का वादा कर रहा है, तो कोई बिजली फ्री देने का। ये बच्चे रोजगार मांगते हैं कि हमें रोजगार चाहिए। पढ़ा लिखा के पेरेंट्स ने कर्जे ले लेके बच्चों को पढ़ाया, लेकिन ऐसे खड़े हैं बच्चे, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है बच्चों के पास। अच्छा, जी 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 जी
बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, बच्चों को 5,000 रुपए नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बिजली फ्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपसे भी और आपसे भी फ्री कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार पे बात होनी चाहिए थी, सुरक्षा पे बात होनी चाहिए थी, आप दोनों की लड़ाई पे बात नहीं होनी चाहिए थी, आपकी बिल्डिंग पे, आपके भवन पे, इस पे हम यहाँ नहीं आए थे, ना हमें आना है। जनता हमेशा हमेशा आप लोगों के, जब आप बन जाते हो आपके घर के बाहर खड़ी रहती है अपॉइंटमेंट के लिए। 6 महीने जनता के पास हैं, मैं सभी से बोल रहा हूँ, ये 6 महीने आपके पास हैं, अच्छे से चुने, अच्छे से चुने, अपने वादे कौन पूरे करता है कौन नहीं करता है इन सब से आप अच्छे से पूछ सकते हो, ये 6 महीने ही आपके पास हैं जी। तो आप अब फाइनल क्लोजिंग पे हम थोड़ा थोड़ा सबके पास आ जाएंगे, आप अपना वादा बता दीजिए, वादे जो पूरे हो जाएं। हमारा वादा है इस क्षेत्र की जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होना, ना कि हमारे भाजपा के पैनलिस्ट की तरह। अपने वादे जनता के साथ रहेंगे, रोजगार उपलब्ध कराएंगे, स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे, जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराएंगे, इनकी पानी की जो समस्या है और जो सड़कें जो 6-6 महीने में टूटती हैं, सब लोग जानते हैं कि 6 महीने से ज्यादा इस कैंट विधानसभा की सड़कें नहीं टिकती हैं, उस सड़कों को हम मजबूत बनाएंगे और लोगों को भी हम मजबूत बनाएंगे। चलिए चलिए, सड़कें मजबूत बनाएंगे, रोजगार देंगे यूकेडी की तरफ से। हाँ जी, अगर जी आपके पास भी आ रहा हूं। विधानसभा के अंदर हमारी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हमारे युवा जो है दर दर भटकने को तैयार, आप कह रहे हैं नशावर्ती हो रही है, सट्टा चल रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर हमारे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा तो इस सब पे रोक लगेगी। कांग्रेस का प्रयास होगा कि हमारी जो महिलाएं बहने, हमारे जो बेरोजगार साथी है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारी विधवा बहने, हम सभी के उत्थान के लिए, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, सभी के उत्थान के लिए कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है और उनके विकास के लिए संकल्प। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, आप क्या वादा करते हो, नया वादा, जो पैसे बाकी तो पूरे हो गए होंगे। पिछले घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में जितनी हमने घोषणा करी थी उसमें 92% तक पूरी हो चुकी है। अच्छा, और भविष्य में, भविष्य में, भविष्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जल और सब पे, सब हमारी प्रायोरिटी पे, प्रायोरिटी पे है। जी जी, ठीक है जी। इनकी जल 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 और क्या बताया आपने, पहाड़, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब इनके इनके प्रायोरिटी पे हैं जो अभी चल रहे हैं। हाँ जी, आप बताएं। उत्तराखंड में बिजली बनती है और उत्तराखंड की जनता का हक है कि उसको फ्री बिजली मिलनी चाहिए, साथ ही रोजगार मिलना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। और हम समझते हैं कि बेरोजगारी अगर रुकेगी तो पलायन भी, बेरोजगारी अगर खत्म होगी तो पलायन भी रुकेगा। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हमारे मेन मैनिफेस्टो रहेंगे जिस पर हम पलायन शब्द, इन्होंने लास्ट में, मैं भी भूल गया था, पलायन शब्द पे आए, पलायन शब्द। एक हमारे लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी, हैं देहरादून के, मुझे देहरादून वाला मत कहना, हैं नहीं, मुझे पहाड़ वाला मत कहना, मैं देहरादून वासी हूँ, हैं देहरादून वाला हूँ। और आप पलायन के ऊपर क्या बात कर रहे हो, सिर्फ देहरादून के ऊपर, ये बताइए। यहाँ से पहाड़ देखे हैं आपने, खाली खाली है बिल्कुल। उसके लिए 20 साल जिन्होंने राज किया, आप उनसे सवाल कीजिए कि जहाज से उतर, एक मिनट जहाज से उतर, एक मिनट में आपको आपको भौगोलिक स्थिति बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। ये तो सब पुराने लोग हैं, ठीक है। यहाँ जॉली ग्रांड पे उतरने के बाद 20 मिनट के यहाँ लेके, यहाँ पर गाड़ी से आए और वादे कर दिए, कभी जरा 8 घंटे 10 घंटे ड्राइव करके आप गांव की तरफ जाएं, आंख से आंसू ना आ जाएं, हमारे, आपके हमारे आंख से आंसू ना आ जाएं। 70 प्रत्याशी हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं, आप समझ गए, वो दिल्ली से नहीं, वादे उनसे करवाओ, वादे उनसे करवाए, पार्टी की गतिविधियों को, पार्टी की विचारधारा को वही लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे 10,000 कार्यकर्ता घर घर जाकर के बिजली कार्ड बना रहे हैं और अब हम रोजगार कार्ड बना के देंगे, गारंटी देंगे, और गारंटी देंगे कि हम हर घर को रोजगार देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, आप, हमने सबके फाइनल हमने ले लिए हैं, सभी के जी जी, आप बोलो। हाँ जी, मैं अभी, इन्होंने कहा हमने सब कुछ करा, स्वास्थ्य के लिए ही कहता हूँ मैं, हमारे कैंट विधानसभा का दुर्भाग्य, एक हॉस्पिटल है कैंट विधानसभा के अंदर, प्रेम नगर के अंदर, अगर रात को जाओ आप, क्योंकि उसमें कि ना कोई इमरजेंसी है ना कुछ है, क्यों नहीं है भाई, ना डॉक्टर है, ना स्टाफ है, ना कोई है, क्या किया फिर स्वास्थ्य के लिए, क्या किया गया है सर? हाँ जी, ये गलती वैसे बोले हम सब की है, क्योंकि हम लोगों ने समय पे इनसे, समय पे इनको झंझोड़ा नहीं। हमारे भाई साहब ने बोला, शिक्षा भी बोला कि शिक्षा दिए इन्होंने, मैं कहता हूँ कोविड काल में जो ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई हो रही थी उसमें
सरकार की तरफ से सख्त डिसीजन कुछ नहीं था कि बच्चों से फीस ना ली जाए, मनमानी स्कूल फीस ले रहा था, कहां गए उनके डिसीजन, कहां से शिक्षा दे दी उन्होंने, ऑनलाइन की पूरी ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो रही है और उसके बाद भी पैसा स्कूल में ले जाए। फिर आपने क्या करा, फिर आपने ढंग से, एक मिनट मैं बता रहा, फिर आपने मोदी जी को ढंग से सुना नहीं है। वो फेक मतलब नहीं, उन्होंने क्या कहा था, इनको तनख्वाहें दे देना, इनको खाना दे देना, मैं कुछ नहीं दूंगा, ये कहीं नहीं बोला था। बोल रहा हूँ ठीक है, ये नहीं बोला था, तो आप वादों में मत फंसाओ उनको, उन्होंने नहीं बोला। तो बहुत से वादे, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, वो भी एक वादा था उनका ही, एक नेता ने 15 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए तो कोई इनको 15, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे, कैंट विधानसभा में जी जी स्कूल है, उनकी हालत बहुत बद से बदतर है। हमारे विधायक जी बिल्कुल भाई साहब आप एक मिनट अंकल हमारे साथ, हम इसी भी कैंट विधानसभा के लिए आप कहीं भी जाएं, देख लेते हैं कहां का फर्नीचर। चले 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 जवाब उनका आने दीजिए, जनता है उनके 10 तरह के प्रश्न। अच्छा कार्यकर्ता भी जनता से, जनता में से ही बनते हैं। हाँ जी जी, शिक्षा की हालत बद से बदतर है, कोई अच्छा शिक्षा की हालत बद से बदतर है। मेरे मुस्लिम भाई हो आप, कभी आपने मदरसा से निकल कर कभी स्कूल की तरफ आपने भेजे बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल। कितने बच्चों को आपने डिवोट किया आज की नहीं स्कूल में जाओ, मेरी एक जैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए, एक जैसे वादे होने चाहिए, एक जैसी समझ होनी चाहिए। दोनों बेटियां ग्रेजुएशन है, हाँ जी, छोटी बेटी ने, बाकी लोगों को क्यों नहीं प्रेरित किया आपने? जी उनको भी प्रेरित करते हैं, बच्चे मदरसे में भी पढ़ते हैं और साथ साथ स्कूल की भी शिक्षा ले रहे हैं। अच्छा चलिए आपको बहुत बहुत बधाई अगर आप ऐसा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, और इसी तरह से हमारा देश एक होगा। जी जी अब हमारे क्लोजिंग हो गया सबका जी, कोई और कुछ रहेगा, कोई वादा एक आध छूट गया हो तो बता दीजिए। तो किसी का सभी 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 के वादे पूरे हो गए हैं सभी के? हाँ जी हाँ जी, जिम्मेदार पार्टी है जी, उतना ही बोलते हैं जितना जितना हम पूरा करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जीरो टॉलरेंस, क्या छात्रवृत्ति घोटाला जिसने किया उसे जेल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जनता बताए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, जाना चाहिए, समय आने पे कोर्ट को डिसाइड करने दो। नहीं ये इनकी सरकार है ना, इनसे पूछे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखो अच्छा 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 मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आज हमारे हमारे देश की न्यायपालिका, आपका हमारा कितना भी विवाद हो जाए, लास्ट में एक वर्ड आता है, वी विल सी यू इन कोर्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं विश्वास आज भी कायम है, कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे विश्वास बना हुआ है। कोर्ट में ही चल रहा है वो, कोर्ट में चल रहा है जी 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 जी, इसलिए चल रहा है मान्य। एप्लीकेशन दी हुई है जी, इन्होंने पैसे जमा कराए हैं जी, पैसे जमा कराने जी, माफ किया जाए। अच्छा चलिए, माफी मांगने के लिए इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मतलब मैं न्यायालय को क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, आपको भी मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि हम सबके अंदर एक आज भी विश्वास है, पार्टियों पे हो ना हो, न्यायालय पे विश्वास है कि एक दिन आएगा जिस दिन हमारे हक में फैसला होगा, अब बिल्कुल अलग होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे पहले सभी पार्टियों से पहले, सबसे पहले देश, सबसे पहले देश, तो सबसे पहले भारत माता की, भारत माता की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और किस्सा कुर्सी का अगले किसी और विधानसभा में जाकर हम इसी तरह से रियलिटी चेक करते रहेंगे। आपका रिपोर्ट कार्ड जो जनता द्वारा बनाया जाएगा वही असली मानिए, अपने आप को खुद नंबर देने की कोशिश ना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।